नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु के कुछ 12 नियम। अगर इन 12 नियमों का पालन करते हैं तो धन में कभी भी कमी नहीं आएगी। धन के लिए ये जो 12 नियम है, ये खास करके घर में धन टिका रहने के लिए है। तो ऐसे कौन से नियम है और इजीली आप ये कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक जो है वास्तु की मुख्य दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये वास्तु की मुख्य दिशाएं है। अभी इन दिशाओं में घर के अलग अलग एनर्जी होते हैं। ये एनर्जी का फ्लो अगर प्रॉपर रहा, आपका पैसे के रिलेटेड जो है बेडरूम है, बेडरूम में आप कबर्ड रखते हो, यहाँ पर कबर्ड रखने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कौन सी चीजें हैं हम देखते हैं अलग अलग। सबसे पहले जो है पूजा घर में, आप अगर स्फटिक यानी के क्रिस्टल का शिवलिंग आता है यानी स्फटिक का शिवलिंग, ये अगर आप रखते हो, ये शिवलिंग पूजा घर में रखने से और इसको अभिषेक करने से, खास करके सोमवार के दिन अगर आप क्रिस्टल के शिवलिंग को अभिषेक करते हैं तो आपका जो है आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। इस ये क्रिस्टल का जो शिवलिंग है, सोमवार के दिन जो सोमवार शिव जी का दिन होता है, इस पर अगर आपको रुद्र अष्टाध्यायी आती है तो आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। खास करके श्रावण के महीने में इसको अभिषेक करना बहुत अच्छा माना जाता है। शाम के टाइम पे भी आप कर सकते हो श्रावण के महीने में। तो मेरे चैनल पे रुद्र अष्टाध्यायी का वीडियो है, वो भी आप लगा सकते हो। तो इससे अभिषेक करोगे या फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय कह के भी आप अभिषेक करते हो सोमवार के दिन क्रिस्टल के शिवलिंग को, तो आपको आपके धन के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। इसके बाद में जो है भवन का जो निर्माण है, इसमें दरवाजे और खिड़कियों की संख्या जो है ये हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। जो खिड़की और दरवाजे है इनकी जो संख्या है वो हमें विषम रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तथा जो भी स्टेप्स भी है उनकी भी संख्या विषम होनी चाहिए, यानी कि दरवाजे, खिड़कियां और आपकी सीढ़ियां, इनकी संख्या हमेशा आपको विषम रखना है। घर आप बनाते वक्त ये चीज आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप घर को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कुछ वर्चुअल डोर भी ओपन कर सकते हैं पिरामिड से। तो इस ये करके भी हम ये संख्या प्रमाण में ला सकते हैं, अगर ये गलत है तो उस वक्त। टॉयलेट और किचन एक कतार में यानी एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। समझिए यहाँ पर है WC, ये डोर है और यहाँ पर किचन का डोर है, तो ये बहुत गलत सिचुएशन है। किचन और WC यानी टॉयलेट का डोर आमने सामने होना, ऐसा होने से भी घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में शांति भी नहीं टिकती है। तो इसलिए अगर ऐसा है तो इस दोष को तुरंत हटाइए। किसी भी एक दरवाजे को आप टेम्पररी अभी के लिए कर्टन लगा दीजिए, इससे भी ये दोष थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है, ये आप कर सकते हो। ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो है घर में, पूजा घर में हम जानते हैं कि गणेश जी की एक से ज्यादा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। आप घर में रख सकते हैं, समझिए अपने कदा फोटो ड्राइंग रूम में लगाया तो ठीक है, लेकिन पूजा घर में आपको एक ही रखना है, एक सिर्फ एक गणेश जी की मूर्ति। उससे ज्यादा गणेश जी पूजा घर में नहीं होना चाहिए। आप बाकी जगह पे लगा सकते हैं घर में, आपको जहां पे लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही गणेश मूर्ति होना बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। घर के ड्राइंग रूम में आप मोर का फोटो लगा सकते हैं। मोर का फोटो, मोर के जोड़े का फोटो लगाना सबसे ज्यादा अच्छा है। या फिर आपका ड्राइंग रूम अगर नॉर्थ वेस्ट जोन में है, नॉर्थ वेस्ट, तो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो है कृष्ण जी का फोटो लगा सकते हैं बाल रूप में, या फिर राधा कृष्ण जी का भी फोटो लगा सकते हैं। इससे रिलेशन अच्छे होने में
बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। और ये जो है माखन खाते हुए छोटे कृष्ण जी, ये आपको बरकत लाने में हमेशा मदद करेंगे। तो ऐसा फोटो रखना बहुत अच्छा होता है प्रोग्रेस के लिए, धन के लिए। दक्षिण दिशा में अश्व रखना सर्वोत्तम है। ये दक्षिण दिशा है, इस दिशा में आप यहाँ पर घोड़े का फोटो या घोड़ा रख सकते हैं। जैसे सात घोड़े का फोटो आजकल सभी लोग लगाते हैं, तो वो आप दक्षिण दिशा में किधर भी लगा सकते हैं। या आपके पास घोड़ा है तो भी दक्षिण दिशा में आप रखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका मुख आप पूर्व की उत्तर की तरफ कर सकते हैं या पूर्व की तरफ उत्तर की तरफ रखना बहुत अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। जो स्फटिक बॉल रहते हैं आपको ये कहीं पे भी मिल जाएंगे जहां पूजा का सामान मिलता है। ये क्रिस्टल के बॉल, यहाँ पे जो मैंने क्रिस्टल लिखा है इसके ही ये बॉल रहते हैं। जैसे मैंने शिवलिंग कहा है वैसे ही क्रिस्टल के बॉल होते हैं। ये क्रिस्टल के बॉल अलग अलग कलर में भी आते हैं, तो ये आपको ट्रांसपेरेंट वाला लाना है। ये घर में रखना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको धन के लिए घर में रखनी है वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र घर में रखने से आपके जो भी पैसे के प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने में आपको मदद मिलेगी। आपकी जो इच्छा है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जब भी प्रॉब्लम है पैसे का, आपको पैसे अवेलेबल होंगे। श्री यंत्र आपको घर में रखना है। इसको कुमकुम अर्चन भी आप कर सकते हैं, जैसे देवी को करते हैं देवी के नाम लेकर, या फिर आप इसको जो है श्री यंत्र को श्री सूक्त का अभिषेक कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है अगर श्री यंत्र को श्री सूक्त का अभिषेक करते हैं। इसके बाद में जो है दोस्तों, अगर आप हवन कर सकते हैं घर में तो श्री सूक्त का हवन करना है। श्री सूक्त अग्निहोत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अभी मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन श्री सूक्त का अगर आप हवन करोगे तो आपके संकल्प में आप बोलिए जो भी आपकी इच्छा है धन रिलेटेड, वो पूर्ण होने में आपको जरूर मदद मिलेगी। डायरेक्ट हवन करने का बहुत अच्छा फायदा है। डायरेक्ट हवन मतलब आजकल वो पिरामिड का यंत्र भी आता है जिससे हम अग्निहोत्र का इंपैक्ट ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल है, अगर आप अग्निहोत्र करते हो हवन कुंड लेकर उसमें आप आहुति देते हो, दोस्तों अग्नि एक ऐसी चीज है जो कभी भी नीचे नहीं जाती है, वो हमेशा ऊपर ही जाती रहती है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक जो चीजें है, आप इसमें आहुति देते हो तो आपको कैसे फायदा मिलेगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप श्री सूक्त का हवन कीजिए, आपको आपके धन रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। उसका भी विधि कैसा हवन करना है, मंत्र सभी मेरे चैनल में, मैंने श्री सूक्त हवन का एक वीडियो है उसमें सब कुछ दिया है। घर में धन समृद्धि के लिए धन की जो कैश बॉक्स है, ये कैश बॉक्स या आपका जो भी तिजोरी है अलमारी है वो हमेशा साउथ वेस्ट में रखिए, उसका मुख नॉर्थ में कीजिए। घोड़े की नाल जो है वो आप आपके चौकट पे लगाते हो, चौकट के ऊपर घर के, तो भी पैसे के लिए प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है घोड़े की नाल। ये सिर्फ हमारे इधर ही नहीं और भी कई दूसरे देशों में भी घोड़े की नाल को बहुत उपयुक्त मानते हैं। तो घोड़े की नाल जो है ये अगर आप आपके घर में रखते हो, अगर पॉसिबल नहीं है दरवाजे पे लगाना, आप रेंट के घर में रहते हो तो आपके पूजा घर में भी आप उसकी एक बार पूजा कीजिए, सैटरडे के दिन उसको आप घर में रखिए, या फिर आपके दरवाजे पे अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो काले घोड़े की नाल है वो काले घोड़े की नाल इस प्रकार आएगी यू शेप में, तो वैसे ही आपको लगाना है आपके चौकट के ऊपर ये काले घोड़े की नाल, इससे आपके धन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत मदद मिलेगी। बीम के नीचे कभी भी आपको आपकी तिजोरी या अलमारी नहीं रखना है। बीम जो होता है छत में जो बीम रहते हैं उसके नीचे अलमारी या फिर पूजा घर ये चीजें नहीं रखना है, आपका बेड भी नहीं रखना है। इससे अनवांटेड टेंशन क्रिएट होंगे, पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे अगर वो अलमारी के ऊपर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। घर में पूजा घर में आप कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं। कुबेर यंत्र,
कुबेर देवता जो है ये पैसे के रिलेटेड, धन के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की देवता है। इनके मंत्र भी पढ़े जाते हैं, अगर आप सवेरे वो मंत्र लगाते हो तो भी अच्छा है, पूजा घर में आप इनका यंत्र रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ आपको 12 चीजें बताई है धन के लिए आपको क्या क्या करना है, जो चीजें यहाँ पर लिखना पॉसिबल है मैंने लिख दी है, बाकी तो मैंने आपको सभी मेंशन की है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ये जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।